चाणक्य परिषद का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें यहाँ पर हजारों की संख्या देखी गई। आइए हम यहाँ के चाणक्य परिषद के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद तिवारी जी, आफत जी, आपसे एक क्वेश्चन है कि आज आपने यहाँ 30वां स्थापना दिवस मनाया, तो इसमें आपका आपका ब्राह्मण समाज के लिए क्या संदेश? आज अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे ब्राह्मण जो इधर उधर हैं उनको सबको एक करने के लिए वो चाहे जहाँ हैं अपने समाज के लिए अच्छी सोच रखें, अच्छी मित्रता रखें और हमारे ब्राह्मण बंधु आगे बढ़ाएं। जो इधर उधर भटके हुए हैं सब एक होकर के और ब्राह्मण कल्याण के लिए वो सोचें और अपना शिखा और संघ और जो हमारा पांडित्य है उसको सीखें, धोती पहनना सीखें। पहले जो हमारी व्यवस्था थी उसकी रखना सीखें, जो हमारा ब्राह्मण था उसको फिर पुनः ला करके वापस करें और सभी लोग मिल करके उसको ब्राह्मण को आगे बढ़ाएं। आज चाणक्य परिषद का यही उद्देश्य है कि वैर भाव छोड़ करके सब और महिला अयोध्या से चाहता हूँ सब मिल कर इसको आगे। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष महोदय, सवाल जिसे आपने चर्चा किया कि ब्राह्मण शिखा जी, तो शिखा से ब्राह्मण का क्या था? शिखा ये इसलिए रखी जाती है कि इसका जो एंटीना है, लोग बोलते हैं जैसे पहले टेलीविजन होता था उसमें एंटीना लगता था और जिसके पास बांस रहता था, डबल तल्ला घर रहता था, उसे पकड़ता था, तो ये ब्राह्मण का एंटीना है, इसी से पूरा जो है हमारा मस्तिष्क ऊर्जा मिलती है। जिसके पास शिखा है वो ऊर्जावान है। पहले कड़वा तेल रहता था उसके अलावा कुछ। परशुराम हमारे आराध्य हैं, वो आज भी जीवित हैं। जो भी है, जो हम लोगों की मांग है, हमें पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी निश्चित ही मेरी मांग को पूरा करेंगे। बिल्कुल पूर्ण आशा के साथ मैं कहता हूँ। देखिए, अभी पदाधिकारी महोदय ने यही बताया कि यहाँ पर परशुराम जी की मूर्ति बननी चाहिए। आइए यहाँ के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करें। नमस्कार। इसी कड़ी में अब हम चाणक्य परिषद के संरक्षक, जो ही बहुत ही जुझारू हैं, 30 वर्षों से इन्होंने लगातार चाणक्य परिषद के लिए काम किया है, आइए उनसे वार्ता करते हैं और इस भोज जो खिचड़ी भोज आज हुआ है इससे संबंधित इससे बात करते हैं। गुरु जी, कृपया इस भोज के बारे में कुछ बताने का कोशिश करें। आज मकर संक्रांति, आज ही के दिन 30 साल पहले ब्रह्मलीन पंडित बैनाथ द्विवेदी, जो हिंदुस्तान लेवल के विद्वान थे, राष्ट्रीय पुरस्कृत थे, उनके साथ बैठकर हम लोग अखिल भारतीय चाणक्य परिषद संस्था
उसके पहले ब्राह्मणों बड़ा उपेक्षा हो रही थी, ब्राह्मण समाज की बात कोई सुनने वाला नहीं था। हाँ, तो उसे तमाम ब्राह्मणों को पीड़न देखकर हम लोग चिंतन किया और चिंतन करके एक अखिल भारतीय चाणक्य परिषद संगठन ने कहा कि ब्राह्मणों की बात उठाया जाए। तो उसी लिए आज तक तब से उसी क्रम पे हम लोग चलते आ रहे हैं। हर साल 14 जनवरी पहले पड़ता था मकर संक्रांति, अब 3 साल से 15 जनवरी पड़ रहा है, अब 15 जनवरी हम लोग मनाते हैं। और उसी कार्यक्रम के लेकर आज श्री नंदीग्राम भरत कुंड भरत हनुमान मंदिर मंदिर के प्रांगण में आज पूरे देश से हमारे आए थे। ये डॉक्टर उपेंद्रनाथ त्रिपाठी जी काशी से पधारे हैं, स्वयं चतुर्वेदी जी उज्जैन से पधारे हैं, विभिन्न दिल्ली से अरविंद उपाध्याय जी पधारे हैं, पूरे देश देश विदेश से लोग हमारे कार्यक्रम में आए। तो कार्यक्रम सफल रहा और मुख्य आशीर्वाद कमल नयन दास जी जो मण रामदास छावनी के मंदिर निर्माण के अध्यक्ष हैं राम जन्मभूमि के, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास बड़ा अच्छा प्रकाश डाले, सबको बताए कि ब्राह्मण को कैसा कैसे कैसे उत्पीड़न हुआ, देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो किन किनको प्रधानमंत्री बनना था, किनके हाथ में चला गया, क्या क्या कानून बना, सब विस्तार से उन्होंने चर्चा किया। उसी चर्चा के लेकर आज हम लोग यहाँ थे और आज 500 प्रस्ताव हम लोग यहाँ पारित किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति जी द्वारा भेजा जाएगा। नंबर एक, आरक्षण आर्थिक आधार पूरे देश में लागू हो और योग्यता आधारित पद पर किसी प्रकार का आरक्षण लागू हो। योग्यता इस नाते कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंजीनियर आप अयोग्य बना देंगे, सरजूजी में पुल बनाएगा तो ट्रेन सारी सरजूजी में समा जाएगी, सारे लोग मर जाएंगे। डॉक्टर अयोग्य बनाएंगे, ऑपरेशन करेगा, पेट में अस्तूरा भूल जाएगा, आप मर जाएंगे। तो जहाँ डॉक्टर इंजीनियर जो पढ़े लिखे शिक्षित जहाँ होना चाहिए, जहाँ शिक्षा की जरूरत है, वहाँ आरक्षण किसी प्रकार के लागू ना हो, योग्यता का हो, और जहाँ योग्यता आधारित पद नहीं है वहाँ आरक्षण लागू हो, लेकिन आर्थिक आधार, क्योंकि आर्थिक आधार पर हम लोग इस नाते माने 75 साल हो गया, जिन गरीबों के लिए नाम पर आरक्षण बना है उन गरीबों को नहीं मिल रहा है। अमीर उस जात के जिसे हरजन है, उनके जात के जो बड़े बड़े लोग हैं वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उनके समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे बढ़ा रहे हैं, सामान्य हरजन सामान्य बैपट उसका लाभ नहीं पा रहा है। इस नाते हम लोगों को मान है कि चूंकि सब गरीब, गरीब की कोई जात नहीं होती, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, उसका कोई नहीं होता है, वो गरीब है, गरीब है। तमाम ब्राह्मण आप देखिए कि खाने नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, रिक्शा चला रहा है, रहने का आवास नहीं है, छप्पर के नीचे पेड़ के नीचे गुजर कर रहा है, क्या उसको ब्राह्मण होने का तो श्राप है, उसको नहीं मिलना चाहिए। तो ये पहला मांग। नंबर दो, सवर्ण आयोग का गठन। देखिए हरजन आयोग हो गया, बैकवर्ड आयोग हो गया, मुस्लिम आयोग हो गया, हमारी सवर्णों बात कौन उठाएगा अगर सवर्ण आयोग नहीं होगा। इस नाते दूसरी मांग हम लोगों का, सवर्ण आयोग पूरे देश में गठन हो, सवर्णों की बात उसे रखी जाए, कोई भर सवर्णों मामला आता है तो हमारे सवर्ण आयोग के लोग उसको उठाएं। नंबर तीन, सामान्य नागरिक संहिता। ये देश में 2 नागरिक संहिता है। नंबर एक, इसे वक्फ बोर्ड एक बना हुआ है, वक्फ बोर्ड में सारे लोग मुस्लिम हैं, यही मंदिर कह दे हमारा है तो आप कहीं अलग दावा नहीं कर सकते हैं, केवल उन्हीं चलेगा और किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये कहाँ न्याय है। हमारे मंदिरों में रिसीवर बैठाए गए हैं, वो मंदिरों में जो पैसा आता है उसको लेकर मुस्लिमों को देते हैं, उससे वो मुस्लिम समाज के ईसाई समाज को चलाते हैं, पता ये कहाँ न्याय। हमारे यहाँ जो आय होता है मंदिरों को उसको मुस्लिम, तो ये अन्याय है। एक बार देश का बंटवारा आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, वो 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, फिर हमारे देश में कुछ मुठरे आज वो 20-20 बच्चा पैदा कर रहे हैं, और हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय जो सवर्ण हैं वो 1-2 बच्चा पैदा करते हैं, क्योंकि बच्चे को अपने योग बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, इस नाते हम लोग 1-2 बच्चा पैदा करते हैं, वो 20 बच्चा। लेकिन यह देश वोट की राजनीति है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी हिस्सेदारी, तो वोट के नाते अब उनकी संख्या बढ़ रही है। आने वाले दिन में क्या होगा, कई प्रांतों में आप देख रहे हैं मुस्लिम लोग मांग कर रहे हैं कि अब शुक्रवार को छुट्टी हो, नमाज के दिन छुट्टी हो, कई प्रदेशों में आप राम चर्चा नहीं कर सकते, राम की भजन नहीं कर सकते हैं, और इसे आपके उत्तर प्रदेश में अगर इसका लागू नहीं किया जाए सामान्य नागरिकता, तो 2040 तक मुस्लिम बराबर हो जाएंगे, और जिस दिन वो बराबरी का आ जाएंगे हमारे, हम लोगों को जीना अधिकार होगा। तो वोट की राजनीति है, प्रजातंत्र है, वोट की राजनीति उससे प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। इस नाते सामान्य नागरिक संहिता हम लोग हैं। नंबर 3, भगवान परशुराम जी के प्राकट दिवस, अच्छा तिथिया,